डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे माई स्कूल अर्थात मेरे विद्यालय पर क्वेश्चन एंड आंसर इन इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज, और जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखिए। हम यहाँ पे लिखते हैं बालनिकेतन स्कूल। क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल एज बाल निकेतन निकेतन स्कूल। मेरे विद्यालय का नाम बाल निकेतन स्कूल है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज बाल निकेतन स्कूल। मेरे विद्यालय का नाम बाल निकेतन स्कूल है। वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड, अर्थात आपका विद्यालय कहाँ है, यानी किस जगह से संबंधित है, किस जगह पर है। तो यदि आपका विद्यालय शहर में है तो इन लगाइए, यदि आपका विद्यालय गाँव घर में है तो एट लगाइए। और लिखिए यहाँ पे इट इज सिचुएटेड इन पटना या एट कोई भी गाँव का नाम, जैसे सैदपुर, जो गाँव का नाम लिखेगा तो एट लगाइएगा, यदि पटना में है तो इन लगाइएगा। लिखिए इट इज इट इज सिचुएटेड इन पटना। इट इज सिचुएटेड इन पटना, यह पटना में है। व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल, आप विद्यालय में क्या करते हैं, यानी आप अपने विद्यालय में क्या करते हैं। तो अध्ययन करते हैं, लिखेंगे आई स्टडी इन माई स्कूल। आई यानी स्कूल में हम पढ़ते हैं, आई स्टडी इन माई स्कूल। आई स्टडी इन माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय में पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। व्हेन डज योर स्कूल बिगिन, आपका स्कूल शुरू कब होता है, आपका स्कूल शुरू कब होता है। तो अभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है तो मॉर्निंग में ही शुरू होता है, और अधिकतर स्कूल 7 बजे ही शुरू होता है, तो यह स्कूल भी 7 बजे ही शुरू होता है। तो लिखिए यहाँ पे इट बिगिंस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। लिखिए इट मतलब यह, इट बिगिंस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यह 7 बजे शुरू होता है, इट बिगिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, आपका स्कूल बंद कब होता है। तो लिखेंगे इट क्लोजेज एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, चूंकि 11 बजे स्कूल बंद हो जाता है। लिखिए इट क्लोजेज ठीक है, इट क्लोजेज एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, यह सुबह 11 बजे बंद होता है। सुबह 7 बजे खुलता है और 11 बजे बंद होता है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो लिखिए आई गो टू स्कूल बाई स्कूल बस, यदि आप स्कूल बस से जाते हैं। आई गो टू स्कूल बाई बाइक, यदि आप बाइक से जाते हैं तो, ठीक है। लिखिए आई गो टू स्कूल बाई स्कूल बस, मैं स्कूल बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। मिस्टर गोपाल सिंह इज माई क्लास टीचर, महाशय गोपाल सिंह मेरे क्लास टीचर है। मिस्टर गोपाल सिंह इज माई क्लास टीचर। वट इज योर प्रिंसिपल्स नेम, अर्थात आपके प्रधानाध्यापक का नाम क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे our principal's name is
मिस्टर अशोक राय, हमारे प्रधानाध्यापक का नाम महाशय अशोक राय है। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? तो लिखिए यहाँ पे देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल, हमारे स्कूल में 20 शिक्षक है। Do you keep your school neat and clean? क्या आप अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं? तो लिखिए यहाँ पे yes, I keep my school neat and clean। हाँ, मैं अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखता हूँ। हाउ डू यू ग्रीट योर टीचर इन द मॉर्निंग, आप सुबह में टीचर का अभिवादन कैसे करते हैं? तो लिखिए यहाँ पे आई ग्रीट माई टीचर विथ गुड मॉर्निंग, लिखिए आई ग्रीट माई टीचर विथ गुड मॉर्निंग। I greet my teacher with good morning। मैं अपने शिक्षक का अभिवादन सुप्रभात कह के करता हूँ। What do you say when you want to enter the classroom? जब आप क्लासरूम में जाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो लिखिए I say may I come in? May I come in sir? May I come in sir? When I want to enter in the classroom।